आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी और फंजाई, जैसा कि मैंने क्या बताया था, थैलवाइट प्लांट होती हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इनका जो थैलस है वो कैसा दिखता है या कितने रूपों में हो सकता है, उसी को कहा जाता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो एल्गी जो हो सकती है, फंजाई हमने बताया था कि फंजाई यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फंजाई क्या थी, मल्टीसेलुलर थी। यूनिसेलुलर बस एक ही फंजाई होती है, ईस्ट होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसी फंजाई का नाम बताइए जिसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ईस्ट होगा, क्योंकि ईस्ट में हम देख रहे हैं कि ईस्ट क्या है, बस एक सेल है, तो वहाँ न हाइफी बन रही है न माइसीलियम बन रहा है, तो यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो आज हम एल्गी पर ये तीसरा लेक्चर ले रहे हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के एल्गी के जो दो लेक्चर्स थे, एल्गी के जनरल करेक्टर और एल्गी का अक्रेंस, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी के नाम जो मैंने आपको बताया था, आपको याद है कि नहीं कौन सी एल्गी टेरेस्ट्रियल होती है। और मैंने एक बात बताया था कि एक एल्गी ऐसी होती है जो पैरासिटिक होती है, तो कौन सी एल्गी पैरासिटिक होती है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताने हैं कि आपको दो टेरेस्ट्रियल एल्गी के नाम बताने हैं और एक पैरासिटिक एल्गी के। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, वो कॉलनोलियन भी हो सकती हैं, फिलामेंटस भी हो सकती हैं, साइफनेसियस भी हो सकती हैं और पैरेन्काइनेटस होती हैं, यानी ये पांच रूपों में एल्गी पाई जाती हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि एल्गी किस रूप में कैसी दिखती हैं। तो यूनिसेलुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि जब एल्गी क्या हो, यूनिसेलुलर हो, एक ही एल्गी हो और एल्गी आपस में क्या हो, ग्रुप में ना हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म कहते हैं। तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म जो है वो तीन रूपों में पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर एल्गी जो होती हैं वो फ्लैजेलेटेड भी हो सकती हैं, ये नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकती हैं, या ये स्पाइरल भी हो सकती हैं। कुछ एल्गी ऐसी होती है यूनिसेलुलर तो होती है लेकिन स्पाइरल होती हैं। तो फ्लैजेलेटेड में आपको एक एग्जांपल याद रखना है युगलीना का। तो आप सोच रहे होंगे युगलीना को तो हम वहाँ पढ़ते हैं, पोरीफेरम पढ़ते हैं। तो युगलीना को देखिए, आप जानते हैं कि युगलीना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। तो युगलीना को जो है युगलिनोफाइसी में रखा गया है। युगलिनोफाइसी क्या है, एल्गी का ही एक ग्रुप है। तो यानी युगलीना क्या है, एक एल्गी भी है। और नॉन फ्लैजेलेटेड का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है लेकिन नॉन फ्लैजेलेटेड है। वही स्पाइरल एल्गी की अगर हम बात करें तो स्पाइरल एल्गी, ये एल्गी क्या होगी, एक कोशिका की होगी लेकिन इनकी संरचना क्या होगी, इस तरीके से होगी, यानी स्पाइरल होगी। तो इसका आपको एग्जांपल क्या है, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना आपने नाम बहुत सुना होगा, क्लोरेला भी नाम सुना होगा। क्लोरेला का यूज कहाँ होता है, रिसर्च में यूज होता है। और स्पाइरुलिना आप जानते हैं कि रिचेस्ट सोर्स है ऑफ प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन वो मिलती है वो किस एल्गी से मिलती है, तो आप बताएंगे स्पाइरुलिना से। एक क्वेश्चन आया था पीजीटी में पिछली बार कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है। तो कुछ लोगों ने क्या आंसर लगाया था कि ऐसी प्रोटीन जो सिंगल सेल से प्राप्त होती है। तो वहाँ आंसर सही क्या होगा कि ऐसी प्रोटीन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो स्पाइरुलिना भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कवक भी हो सकता है। तो स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना क्या है, एक कोशिकीय फंजाई है और इससे हमें क्या मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है। तो ये प्रोटीन कैसा होगा, सिंगल सेल प्रोटीन होगा। उसी तरह ईस्ट से भी हमें प्रोटीन मिलता है, ईस्ट भी क्या है, एक कोशिकीय है। तो ईस्ट से मिलने वाला प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, सिंगल सेल प्रोटीन मिल जाएगा। उसी तरह अगर हमें बैक्टीरिया से प्रोटीन मिल रही है तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंगल सेल प्रोटीन हो जाएगा। ठीक, तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है
ऐसा प्रोटीन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मिलता है, न कि सिंगल सेल से मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर हम ह्यूमन सेल से कोई प्रोटीन निकालेंगे तो उसको सिंगल सेल प्रोटीन कहेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है कि ऐसा प्रोटीन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो वहां पूरा आंसर दिया था कि प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाई यूनि सेलुलर फंजाई एल्गी बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी ऐसी प्रोटीन जो एक कोशिकीय बैक्टीरिया शैवाल और एल्गी से मिलती है। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी एल्गी होती हैं, उनसे भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन तब उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन नहीं कहेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो यहाँ पर हमने देख लिया यूनि सेलुलर फॉर्म, अब हम दूसरा देखते हैं कॉलोनियल फॉर्म। देखिए यूनि सेलुलर फॉर्म और कॉलोनियल फॉर्म दोनों में ही एल्गी क्या होती हैं, यूनि सेलुलर होती है। यानी यहाँ पर जो एल्गी पाई जाएंगी वो भी कैसी होंगी, वो भी यूनि सेलुलर होंगी, लेकिन यहाँ पे एल्गी क्या होती है, एक कॉलोनी में रहती हैं, यानी एक ग्रुप में रहती हैं, तो इसी को कहा जाता है कॉलोनियल फॉर्म। जबकि यहाँ क्या रहेंगी, एल्गी कॉलोनी में नहीं रहेंगी, यहाँ एल्गी दूर दूर रहेंगी। और यहाँ पर क्या होगा, कॉलोनियल फॉर्म में क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होगी, एल्गी रहेंगी। ठीक, सब एल्गी क्या रहेंगी, साथ साथ रहेंगी। तो एक ग्रुप में रहती है, एक कॉलोनी में रहती है, उसी को कहा जाता है कॉलोनियल फॉर्म। तो ये इसकी कॉलोनी के अंदर क्या भरा रहता है, एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स भरा रहता है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, जिसके द्वारा ये सभी आपस में क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स की तुलना किसे कर सकते हैं, गम से कर सकते हैं। यानी एक गम रहता है, गूंद रहता है, उसी में ढेर सारी क्या होती है, एल्गी जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। तो इसी को कहा जाता है कॉलोनियल फॉर्म। तो ये कॉलोनियल फॉर्म जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, सिनोवियल होता है, पाल्मिलॉइड होता है और डेंड्रॉइड होता है। तो तीनों में अंतर क्या होता है, एक होता है सिनोवियम होता है, एक पाल्मिलॉइड होता है। और एक डेंड्रॉइड होता है। देखिए सिनोबियम में क्या होता है कि जो कॉलोनी रहेगी, कॉलोनी की साइज, कॉलोनी का शेप और जो इसमें पाए जा रहे एल्गी हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा, एक निश्चित होगा, एक फिक्स होगा। जबकि पाल्मिलॉइड क्या होता है, यह कॉलोनी का शेप, कॉलोनी की साइज और पाए जाने वाले एल्गी की संख्या, उनका अरेंजमेंट कुछ फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफिनेट शेप एंड साइज होती है, डिफिनेट शेप एंड साइज ऑफ कॉलोनी, डिफिनेट शेप साइज एंड नंबर। ठीक, जबकि यहाँ पर कुछ डिफिनेट नहीं होता। और डेंड्रॉइड में क्या होता है कि डेंड्रॉइड में क्या होता है कि यहाँ पर ढेर सारी एल्गी आपस में जो है म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये देखने में क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखाई देने लगता है। यानी यहाँ पर ऐसे दो चार एल्गी होंगी, ये आपस में क्या होंगी, म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हो रहती हैं ये एल्गी। तो इस तरीके से ये देखने में क्या लगता है, वृक्ष की तरह लगता है। तो इसी फॉर्म को कहा जाता है डेंड्रॉइड। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है म्यूसिलेजिनस थ्रेड, म्यूसिलेजिनस थ्रेड। ये जो बनाए हमने क्या हो गया, सिनोवियल कॉलोनी होगी और पाल्मिलॉइड क्या होगी, कुछ भी हो जाए, जब कॉलोनी का शेप साइज कुछ फिक्स ना रहे। और यहाँ क्या रहेगी, कि फिक्स रहेगा कि कॉलोनी जब भी होगी इतनी बड़ी होगी, इतनी संख्या में होगी, यहाँ शेप रहेगा और यहाँ कुछ फिक्स नहीं रहेगा। और यहाँ क्या होगी कि यहाँ पर भी ढेर सारे एल्गी रहेंगे और आपस में म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा जुड़े रहेंगे, जो कि देखने में एक ट्री की तरह दिखाई देगा। तो जो सिनोवियल कॉलोनी होती है इसमें पाई जाने वाली एल्गी जो होती हैं वो क्या हो सकती है, मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। तो जो मोटाइल कॉलोनी होती है वो वॉलवॉक्स की होती है, वॉलवॉक्स कैसा होता है, मोटाइल होता है। जबकि नॉन मोटाइल कॉलोनी किसकी होती है, क्लेमाइडोमोनास की। ठीक,
तो वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, सिनोवियल होती है, और कैसी होती है, मोटाइल होती है। जबकि नॉन जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं उसकी कॉलोनी कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है, सिनोवियल हो गए हैं, सिनोवियल नहीं हो गए। ठीक, पॉलीमेलॉइड में आप इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, पॉलीमेलॉइड में आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास एंड टेट्रास्पोरा। यहाँ पर हाइड्रोडिक्टियन होगा। हाइड्रोडिक्टियन ठीक, और पॉलीमेलॉइड में आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास याद रखना है और टेट्रास्पोरा याद रखना है। ठीक, तो क्लाइमाइडोमोनास हो गया, टेट्रास्पोरा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, हाइड्रोडिक्टियन हो गया, ये सब कैसे फॉर्म है, कॉलोनियल फॉर्म है। वॉलवॉक्स क्या होता है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी मोटाइल होती है, हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, और ये दोनों कैसे होते हैं, सिनोवियल कॉलोनी होती है इनकी। जबकि जो क्लाइमाइडोमोनास होते हैं, टेट्रास्पोरा होते हैं, इनकी कॉलोनी कैसी होती है, पॉलीमेलॉइड होती है। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक, और डेंड्रॉइड में आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखना, ये कोई मेन नहीं है। ठीक, ये बस समझने के लिए आपको बता दिया गया था। तो ये दो फॉर्म आपको अच्छे समझ में आ गए। अब देखिए फिलामेंटस फॉर्म कैसे बनेगा, तो यूनिसेलुलर फॉर्म से कॉलोनियल फॉर्म कैसे बना, कि जब क्या हो कि जो डिवाइडिंग एल्गी हो एक दूसरे से, मतलब बहुत दूर ना जाए, एक म्यूसिलेजिनस जो मैट्रिक्स में ही क्या रहे, सब एक दूसरे से जुड़ी रहे। और फिलामेंटस एल्गी क्या होता है, या फिलामेंटस फॉर्म क्या होता है, कि जब एल्गी में क्या हो, डिवीजन तो हो लेकिन सेपरेशन ना हो, और एल्गी क्या हो, ट्रांसवर्सली एक सीरीज में डिवाइड करती जाए। जैसे कि ये क्या है, एक सेल है। ठीक, ये एक सेल से दो सेल बन गया, फिर दो सेल डिवाइड करेंगी, चार सेल बनाएंगी, और ये सेल क्या करेंगी, आपस में अलग नहीं हो रही है। तो अब इस प्रकार की एल्गी को हम क्या कहेंगे, फिलामेंटस एल्गी कहेंगे। इस तरह की एल्गी थी तो यूनिसेलुलर एल्गी थी, ढेर सारी एल्गी आपस में एक म्यूसिलेरियस मास में इकट्ठा हो जाती थी तो उसको कॉलोनियल एल्गी कहते थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एल्गी कैसे बनती है, यूनिसेलुलर ही एल्गी से क्या बनती है, फिलामेंटस फॉर्म बनता है। तो ये फिलामेंटस फॉर्म क्या हो सकता है, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, यानी दो प्रकार का हो सकता है, ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक, या यहाँ से इसकी ब्रांचिंग भी निकल सकती है इस तरीके से। तो यानी ये दो प्रकार के हो गए, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो आप ब्रांच्ड का और अनब्रांच्ड का दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक, तो अनब्रांच का हो गया यूडोगोनियम हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, नॉस्टॉक हो गया, असिटलोरिया हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अनब्रांच के। ठीक, यूडोगोनियम कैसी एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है, और कैसी है, अनब्रांच है। और अगर हम ब्रांच एल्गी देखें, कौन सी एल्गी क्या होती है, ब्रांच होती है, ब्रांच प्लस फिलामेंटस, तो आप बताएंगे क्रिस्टेला, एक्टोकार्पस और क्लेडोफोरा, ये जरूर से याद करना है। ठीक, ये एक ही एल्गी बार बार आएगी, क्रिस्टेला, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस हम लोगों को पढ़ना भी है पीजीटी के सिलेबस में, क्लेडोफोरा। ठीक, तो ये कैसी एल्गी है, ये फिलामेंटस एल्गी है और ब्रांच एल्गी है। तो आपको इसका मतलब तो समझ में आ ही गया कि फिलामेंटस और ब्रांच एल्गी का मतलब क्या होता है। तो आइए हम एक तीसरा प्रकार यानी चौथा प्रकार देखते हैं, साइफनस एल्गी। अब ये साइफनस का मतलब क्या होता है, साइफन मतलब तो आप जानते हैं कि पाइप, यानी जब क्या हो कि एल्गी में क्या हो, इसका न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा। देखिए जैसे एक एल्गी है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, अब इस एल्गी का क्या हो, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो लेकिन सेल डिवाइड ना हो, तो ये क्या होगी, सेल डिवाइड ना होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेल वॉल का या फिर सेल मेम्ब्रेन का या सेप्टा का फॉर्मेशन ना हो,
तो इस तरीके से क्या हो जाती हैं, ये न्यूक्लियस डिवाइड होती जाती है जिससे सेल का आकार बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, किसी सिप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, सेल नहीं बन पाती। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। यहाँ पर क्या होंगे, सिंपली राइजोइड होंगे जिसके द्वारा ये जुड़ी होंगी सरफेस से। तो इसको हम कहते हैं साइफनस एल्गी। साइफन मतलब होता है पाइप, और पाइप यानी जो अंदर से क्या हो, खोखला हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइफनस एल्गी कहते हैं। तो साइफनस एल्गी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ये अगर पूछा जाए साइफनस एल्गी क्या होती है, तो यहाँ हम भी देख सकते हैं क्या है, ये फंजाई की तरह एसिप्टेट है, सिनोसिटिक होंगी, यहाँ पर क्या होंगे, एक एक सेल के अंदर क्या होंगे, कई कई न्यूक्लियस होंगे, और कैसा स्ट्रक्चर है इनका, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो साइफनस क्या होता है, ट्यूबुलर एसिप्टेट सिनोसिटिक एल्गी, ट्यूबुलर सिनोसिटिक एसिप्टेट एल्गी। ठीक, इनके आप दो एग्जांपल याद रख लीजिए, बाउचेरिया और बोट्राइडियम। ठीक है, आपको जरूर से याद रखना है, बाउचेरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक, तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने, बोट्रिडियम। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि साइफनस एल्गी कब बनेंगी, यानी जब एल्गी का न्यूक्लियस तो डिवाइड हो लेकिन सेल न डिवाइड हो, तब किस फॉर्म का निर्माण होता है, तब साइफनस फॉर्म का निर्माण होता है। अब पैरेन्काइमेटस फॉर्म कब होंगे, तो जब हमने देखा था कि जब एल्गी क्या हो, एक ही सीरीज में डिवाइड होती है, तब क्या बनता है, फिलामेंटस फॉर्म में बनता है। लेकिन अगर एल्गी क्या हो, इस तरीके से भी, मतलब दो डायरेक्शन में डिवाइड हो, इस तरीके से भी डिवाइड हो, मतलब जब दो डायरेक्शन में डिवाइड होंगी, तब हम क्या देखेंगे, तब फोलियोज एल्गी का निर्माण होता है, यानी एक ऐसी एल्गी बनती है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देती है, तो इसी को ही कहा जाता है पैरेन्काइमेटस एल्गी, पैरेन्काइमेटस एल्गी। तो पैरेन्काइमेटस एल्गी का जैसे हम देखते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अलवा और सार्गासम। तो अलवा का स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके से होता है, लीफ की तरह, इस तरीके से होती है ये एल्गी, यानी लीफ की तरह। तो यहाँ पे इसके दो एग्जांपल याद रखेंगे, एक हो गया आपका अलवा और दूसरा हो गया सार्गासम और लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया, ठीक, ये सब आपको देखिए मैच करने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा एल्गी यूनिसेलुलर है, कौन सा कॉलोनियल है, कौन सा फिलामेंटस है, कौन सा साइफनेसियस है, और कौन सा पैरेन्काइमेटस है। ठीक, तो पैरेन्काइमेटस में ये जो फिगर बनाया है मैंने, ये अलवा का बनाया है और ये वाउचेरिया का फिगर है, वाउचेरिया का। ठीक, और ये तो ऐसे ही बस समझाने के लिए आपको बनाया था। ठीक, ये अब हमने समझाने के लिए बना सकते हैं, यहाँ तो बस यही दिखाना था कि यूनिसेलुलर से कॉलोनियल कैसे बनती है, कॉलोनियल फिर यूनिसेलुलर से ही फिलामेंटस बनता है, किस तरीके से बनता है, साइफनस कैसे बनता है, और पैरेन्काइमेटस कैसे बनता है, और उनके कौन कौन से एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपको आई होप कि पूरा एल्गी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी एल्गी किस प्रकार की होती है, कैसे बनती है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार रिवाइज करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ एक सेकेंड देकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। अब अपनी पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।